आखिरकार इस बार धुलंडी में जबरदस्त रंग लेके आई, क्या कहना चाहेंगे? ये पीले चावलों का चमत्कार नहीं है, ये तो बाबा रामदेव का आशीर्वाद है और समाज की शक्ति का जागरण है। जब समाज की शक्ति जागृत हो जाती है तो वर्षों से सोए हुए लोग भी उस काम में लग जाते हैं और आज का ये जो गैर जुलूस जो शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक संपन्न हुआ है वो समाज की शक्ति की जीत। गैर में नारेबाजी को लेकर भी काफ़ी उत्साह था युवाओं में और युवाओं की ज़्यादा भीड़ थी। युवाओं में सनातन संस्कृति के नारे लगना स्वाभाविक है और ऐसे लगे हैं, वो कोई गलत भी नहीं है। हिंदू धर्म का एक त्यौहार है, त्यौहार त्यौहार की तरह से मनना चाहिए। उसमें ठीक है व्यवस्था की दृष्टि से कुछ प्रतिबंध पाबंदियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कहना कि नारे नहीं लगे बिल्कुल गलत था और हिंदू संस्कृति से संबंधित भगवान राम के नारे लगे। समय सीमा की अगर बात करें तो एक मिनट पहले गैर जुलूस है उसका समापन हुआ। यह मैं जनता और प्रशासन और पुलिस तीनों की जीत मानता हूँ। न तो यहाँ की जनता ऐसा चाहती थी कि किसी तरह की टकराव हो, न पुलिस ऐसा चाहती थी और न प्रशासन ऐसा चाहता था। तीनों ही तरफ से अच्छा सहयोग रहा, तालमेल रहा और उसी का परिणाम है कि सही 12:30 बजे यह कार्यक्रम संपन्न हो गया। यद्यपि यह जरूर कहना चाहूँगा कि समय का मस्जिद के आगे पीछे से निकलने में कहीं कोई तारतम्य नहीं था, लेकिन एक जो पूर्वाग्रह पुलिस और प्रशासन के मन में बैठा हुआ है कि भाई मस्जिद के पीछे से जुलूस निकल रहा है तो वो नमाज के समय से पहले निकल जाए। आज शुक्रवार भी नहीं था, जुम्मा भी नहीं था, बुधवार था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया, कोई बात नहीं, शांतिपूर्वक कार्य संपन्न हो गए। नोटिस को लेकर काफी लोगों ने गैर जुलूस का बहिष्कार ली, तब उन्होंने कहा था और सीआई साहब ने भी उनके सामने स्वीकार किया था, पीछे की सारी सूची मैं डिलीट कर दूंगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं या जिन लोगों के कहीं रिकॉर्ड है इस तरह के कि गैर जुलूस में उन्होंने कोई गलत काम किया उन्हीं को नोटिस दिए जाएंगे। मैं समझता हूं उस बात की पालना नहीं हुई है और अब भी बहुत से ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिनको नहीं देने चाहिए थे। कुछ सूचनाएं तो मेरे को यहां तक मिली है कि गैर जुलूस में जो भी लोग टफ बजाने वाले थे, जो मुख्य रूप से आगे भूमिका का निर्वाह करने वाले थे, उन सब लोगों को जानबूझ करके नोटिस दिए गए ताकि गैर का जुलूस है वो कमजोर पड़े और ये जो परंपरा है लंबे वर्षों से चल रही है, सनातन कृति है। यहाँ गले में क्रॉस पहनने वाला भी होली मनाता है, 5 समय नमाज पढ़ने वाला भी होली मनाता है और हिंदू धर्म में तो चाहे शैव हो, शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, बहुत से मत मतांतर यहाँ है मात्र है, तो उसके साधन के रूप में ईश्वर चाहे मुस्लिम पंथ को अपनाए, हिंदू पंथ को अपनाए, इस्लाम को अपनाए, ईसाई को अपनाए, जैन को, बौद्ध को, किसी को भी अपना सकता है, वो मायने नहीं रखता। ये हमारी संस्कृति का त्यौहार था और उस संस्कृति के त्यौहार को हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सबने साथ मिलकर के मनाया, ये एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत। कल ही सूचना के अधिकार में पुलिस और प्रशासन दोनों से 2018 से लेकर आज तक जितने जितने लोगों को नोटिस दिए गए हैं, जिन जिन लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है, जिन जिन लोगों की 151 में गिरफ्तारियां हुई है, उन सब की सूचनाएं मांगूंगा और सूचनाएं आने के बाद में प्रशासन से जवाब भी मांगूंगा। ठीक है, धन्यवाद।